हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आया हूँ मारुति सेलेरियो और मारुति वैगनार के बीच में। हालांकि इन दोनों ही गाड़ियों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इस प्राइस रेंज में इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, डिटेल में कंपेरिजन करेंगे। और मारुति की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों की कंपेरिजन वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, इसलिए अगर आपको देखनी है तो जाके आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात रहे हैं प्राइसिंग की, तो दोनों ही गाड़ियों का जो वेरिएंट आप देख रहे हैं यह है VXI वेरिएंट। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो वैगनर VXI का ऑन रोड प्राइस है 6,64,000 रुपए, वहीं सेलेरियो VXI का ऑन रोड प्राइस है 6,47,000 रुपए। दोनों गाड़ियों के बीच में मात्र 70,000 रुपए का डिफरेंस आपको जनरली देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी कम है। लेकिन जब बात आती है कौन सी गाड़ी बाय करें, तो आज मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप चेक करो दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक। दोनों गाड़ियाँ आगे से दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगती है, बट जो सेलेरियो है इसमें आपको एक प्रॉपर हैचबैक का लुक मिलता है, और जो वैगनार है इसको वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन किया गया है। हालांकि दोनों गाड़ियों के डायमेंशन में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस तो मिलेगा ही, बट दोनों गाड़ियों का लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। डायमेंशन की बात करें तो जो मारुति सेलेरियो है वो लगभग 35 mm ज़्यादा वाइडर है कंपेयर टू मारुति वैगनार, तो ये एक डिफरेंस आपको दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में मिलने वाला है। बाकी बात करें फीचर्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट आपको दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स मिलते हैं। जो हेडलैम्प्स है ये आपको हेलोजन में मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, वहीं दोनों ही गाड़ियों के VXI वेरिएंट में आपको फोग लैंप नहीं मिलते। बात करें गाड़ी की ग्रिल के बारे में, तो कुछ ऐसे ग्रिल मिल जाती है वैगनार में, और कुछ इस प्रकार की ग्रिल आपको मिलती है सेलेरियो में। डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है। अगर आप एक हॉरिजेंटल लुक वाली गाड़ी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली सेलेरियो काफ़ी बढ़िया है, वहीं अगर आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए तो भाई इसमें वैगनार जो है खरी उतरती है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर सेक्शन के बारे में, तो ये है वैगनार का टायर सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं, 165/70R14 ब्लैक कलर में स्टील रिम आ जाती है, आगे डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, फेंडर पे इंडिकेटर है। वहीं बात कर लेते हैं सेलेरियो के टायर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं, 165/70R14 आगे डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, फेंडर पे इंडिकेटर है। तो साइड से भी आपको ऐसा कुछ चेंज नहीं मिलने वाले। जो ORVM है दोनों ही गाड़ियों में आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही मिलते हैं, डोर हैंडल बेसिकली आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। अब चलते हैं रियर में। लेंथ की बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो लेंथ है वो वैगनार की जाता है। ये देखिए लेंथ की बात करें तो वैगनार के अंदर आपको मिलती है 3655 mm की लेंथ, वहीं मारुति सेलेरियो के अंदर मिलती है 3695 mm की लेंथ। लगभग 45 mm ज़्यादा लंबी है वैगनार कंपेयर टू मारुति सेलेरियो, तो ये एक डिफरेंस आपको साइड में मिलता है। हालांकि जो हाइट है वो आप देख सकते हैं वैगनार में आपको फार बेटर मिलती है सेलेरियो से, है ना। वहीं बात कर लेते हैं रियर लुक के बारे में, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है रियर से। दोनों गाड़ियों का रियर लुक सही लगता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसी है। बात करें सेलेरियो के लुक की, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको ऊपर मिल जाता है, जो टेल लैंप यूनिट है ये हेलोजन में है, बाकी पीछे सेलेरियो की बैजिंग है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं पार्किंग सेंसर के। वहीं अगर बात करें वैगनार की रियर लुक की, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। जो गाड़ी की टेल लैंप्स है ना ये ज़्यादा अट्रैक्टिव सी फील नहीं होती, बट हाँ ठीक ठाक ही आपको यहाँ पे रियर लुक मिल जाता है। जो क्रोम है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बाकी वैगनार की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं पार्किंग सेंसर के, और पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अब चेक कर लेते हैं बूट स्पेस, तो ये है बूट स्पेस वैगनार का, और कुछ ऐसा बूट स्पेस मिलता है आपको मारुति सेलेरियो में। इसको अनलॉक करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको मिलता है मारुति सेलेरियो में। अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में, हालांकि दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम सा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन वैगनार में आपको फार बेटर बूट स्पेस मिल जाता है कंपेयर टू मारुति सेलेरियो। ये देखिए कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है, ऊपर पार्सल ट्रे मिल जाती है, काफ़ी डीप है, काफ़ी लगेज आपको यहाँ पे आ जाता है। स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिल जाएगा, फुल साइज का है स्टील रिम के साथ। वहीं ये है मारुति सेलेरियो का बूट स्पेस, हालांकि जो बूट स्पेस है ये काफ़ी डीप है, और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, अगेन फुल साइज के साथ आता है स्टील रिम के साथ। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर में पार्सल ट्रे मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वहीं इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्या बात है, बहुत सही। तो ये कहानी हो गई बूट स्पेस की। बूट स्पेस में भी क्लियर विनर है मारुति वैगनार। इनको करते हैं बंद और अब दिखाते हैं आपको इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पे सबसे पहले चलते हैं अपन मारुति सेलेरियो की ओर, तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये है VXI वेरिएंट। तो बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिंपल की मिलेगी, कोई भी लॉक, कोई भी रिमोट की यहाँ पे आपको नहीं मिलती।
इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फुली ब्लैकआउट इंटीरियर मिल जाता है, काफी बढ़िया लगता है। बीच बीच में आपको सिल्वर साटन फिनिश का यूज मिल जाएगा, जिससे जो लुक है वो थोड़ी सी बेटर जो है आपको देखने को मिल जाती है। डोर की बात कर लेते हैं तो डोर आपको पूरा ब्लैकआउट मिलता है। डोर ट्रिम के बारे में बात कर लेते हैं तो पूरा जो डोर ट्रिम है ये आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है। वहीं नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, आपको यहाँ पे दो स्पीकर मिलेंगे, दोनों ही आपको सामने मिल जाते हैं। वहीं बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। वहीं बात करें हेडरेस्ट की तो यहाँ पे आपको फिक्स मिलते हैं। डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है डैशबोर्ड में, अच्छा लग रहा है, इस प्राइस रेंज में ठीक गाड़ी है। वहीं यहाँ पे आपको सिल्वर साटन का यूज मिल जाता है बीच में और इन एसी वेंट के ऊपर। बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे राउंड शेप में स्टीयरिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिंपल है। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट बेसिकली नहीं मिलता। वहीं बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पे फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, 180 की स्पीड है। नीचे आपको छोटी सी MID मिलती है जिसमें आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। यह है गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, कोई भी यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, बट हाँ आगे की विंडो के बटन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाता है और इसके नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, 5 स्पीड का गियरबॉक्स, 2 कप होल्डर, इसके नीचे आपको सिल्वर साटन मिल जाता है। वहीं बात करें गाड़ी के ग्लव बॉक्स के बारे में तो काफी छोटा है, इसके ऊपर मिल जाता है वैनिटी मिरर और इस साइड में आपको मिल जाता है टिकट होल्डर को, पैसेंजर साइड में मिलता है वैनिटी मिरर और यहाँ पे मिल जाता है आपको लैंप। तो कुछ इस प्रकार का लुक आपको बेसिकली यहाँ पे मिलता है, ड्यूल एयरबैग बेसिकली आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक ही मिलता है, बाकी सीट का कंफर्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी स्कूप आपको कुछ इस प्रकार मिलते हैं, सीट का कंफर्ट ठीक है, बेसिक सा ही कंफर्ट है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ओवरवीएम एडजस्टमेंट का बटन आपको यहाँ पे मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक बटन मिलेगा हेडलैम्प को लेवल करने के लिए, ABC पैडल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये कहानी हो गई इंटीरियर की, अब चलते हैं वैगनआर के इंटीरियर में। तो ये है वैगनआर का इंटीरियर, यहाँ पे जो इंटीरियर है ये हो जाता है ड्यूल टोन, ये देखिए दिखने में अच्छा सा फील होता है, वहीं एक लग्जरी की सी फील आती है इस इंटीरियर में। डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े डोर मिल जाते हैं, ओपनिंग भी इनकी काफ़ी वाइड हो जाती है। डोर ट्रिम पे आपको ऑल फोर पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, ओवरवीएम एडजस्टमेंट का बटन है, बोटल होल्डर है, ये वाला जो एरिया ना ये अच्छा लगता है। वहीं जो मारुति सेलेरियो में इसमें बटन दे दिए आपको डैशबोर्ड में, लेकिन ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है, डोर पे ही सारे कंट्रोल होने चाहिए विंडो से रिलेटेड। सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता। वहीं आगे पीछे फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, बैठ के देखते हैं कितना कम्फर्ट है भाई। जब आप वैगनआर की सीट में बैठोगे तो आपको ऊंचा ऊंचा सा फील होगा, तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है इसलिए आपको काफ़ी बढ़िया सा फील होगा। वहीं सीट का कंफर्ट आपको फार बेटर मिलता है कंपेयर टू मारुति सेलेरियो। मारुति सेलेरियो में जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मारुति वैगनआर में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा सा जो है मुझे फील हो रहा है। बाकी बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में तो यहाँ पर रिमोट किया जाती है VXI वेरिएंट से, काफ़ी बढ़िया लोकल लोकल बटन है, दूसरी की भी आपको रिमोट की के साथ मिलती है। और यहाँ पे भी आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, वहीं हेडलैम्प को लेवल करने का बटन यहाँ पे मिलता है, बट ये आपको मिलता है इलेक्ट्रिकली, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह की बात कर लेते हैं, सेम स्टीयरिंग यहाँ पे मिल जाती है बट यहाँ पे आपको सिल्वर साटन मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वहीं सेम आपको गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो क्लस्टर मारुति सेलेरियो में था एज इट इज क्लस्टर यहाँ पे दे दिया है, कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यह है गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, कि सामने आपको डबल डिन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ब्लूटूथ FM दैट्स इट, वहीं यहाँ पे आप फोन वगैरह को रिसीव कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। मैनुअल AC मिल जाता है, वहीं यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं मारुति सेलेरियो के अंदर जो गियरबॉक्स था ये अजीब सा था। वहीं नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। बाकी बात करें ग्लव बॉक्स के बारे में तो बेसिकली काफ़ी छोटा है, लेकिन मारुति सेलेरियो में आपको ज़्यादा बड़ा बेसिकली ग्लव बॉक्स मिलता है, AC वेंट कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। ये वाला पार्ट जो है मारुति वैगनआर में मुझे अच्छा लग रहा है कंपेयर टू मारुति सेलेरियो। यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, इस साइड में आपको टिकट होल्डर मिलता है, को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, वहीं यहाँ पे आपको लाइट फंक्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग मिलेगा, सेम है जो मारुति सेलेरियो में मिल रहा था, एज इट इज यहाँ पे आपको फंक्शन मिलते हैं। वहीं यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वहीं जो ग्रैब हैंडल है
ये जो है आपको सिल्वर सैटर्न फिनिश में मिल जाता है। स्ट्रोक्स दोनों ही गाड़ी में आपको मैनुअल मिलते हैं, तो ये एक फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। कुछ एडिशनल फीचर आपको वैगनर में मिल जाते हैं, 17,000 रुपये मात्र आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो भाई फीचर्स, लुक, डायमेंशन आपको बेसिकली वैगनर में काफी बढ़िया मिलते हैं। ये है मारुति वैगनर की रियर सीट। बात कर लेते हैं सीट के बारे में। एज यूजुअल पीछे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, बाकी कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। डोर ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं एंट्री एग्जिट करने में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के बटन। गाड़ी में आपको बेसिकली 4 स्पीकर मिलते हैं, तो ये भी काफी बढ़िया बात हो जाती है। वहीं यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलते हैं, वहीं कोई भी जो है हम इतना है नहीं तो आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे। हाइट गाड़ी काफी अच्छी, इसलिए हेडरूम आपको काफी डिसेंट सा यहाँ पे मिलेगा। बाकी बड़ी बड़ी विंडो मिलती है, एरी सा फील होगा। वहीं पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है वैगनआर के डैशबोर्ड का। तो ये कहानी हो गई वैगनआर के सेकंड रो की। अब चलते हैं सेलेरियो की सेकंड रो में। तो ये है मारुति सेलेरियो की सेकंड रो। बात कर लेते हैं डोर ओपनिंग के बारे में। तो इसके भी डोर वाइड ओपन होते हैं, वहीं यहाँ पे आपको कोई भी पावर विंडो के बटन नहीं मिलेंगे। पावर विंडो के बटन बेसिकली आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये देखिए डोर पे होने चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे सेंटर में मिलेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन हाँ काफी लोगों के लिए सही चीज हो सकती है। सीट की बात कर लेते हैं, तो अंडर थाई सपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैगनआर में, ऐसे यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। फार बेटर कंफर्ट बेसिकली आपको वैगनआर में मिलते हैं। और यार आप देख सकते हो वैगनआर कितनी ऊंची लग रही है इससे, तो हाइट वैगनआर की काफी बढ़िया लगेगी। बैठने में जो है आपको वैगनआर में ही ज्यादा मजा सा आएगा। वहीं पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है डैशबोर्ड का। हालांकि जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये एक छोटे मोटे चेंजेस दोनों गाड़ियों में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन भी दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलते हैं, 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 66 BHP निकालता है। वहीं 89 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करें माइलेज की, तो मारुति सेलेरियो निकालती है 25.2 की माइलेज, वहीं मारुति वैगनआर निकालती है 24.35 की माइलेज। तो माइलेज में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों में आपको 1000 cc का इंजन देखने को मिलता है। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो फिर से बता दूँ 17,000 रुपये महंगी है वैगनआर मारुति सेलेरियो से। बस इतना ही डिफरेंस आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। हालांकि डायमेंशन लुक्स में आपको चेंज मिलेंगे। चूज करो भाई, जैसा आपका टेस्ट है वैसी गाड़ी आप उठा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।